एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए केनकेन के स्कर्ट। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लहंगे के साथ ही आपको केनकेन स्कर्ट अटैच मिलती है, बट यहाँ मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि आपको केनकेन स्कर्ट कैसे बनाना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने स्कर्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने केनकेन भी लिया हुआ है, तो केनकेन अबाउट आपका 2 मीटर तक लगेगा इसमें। और स्कर्ट की कटिंग के लिए मैंने आपको छोटी सी एक ड्राफ्टिंग वीडियो बता दी है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ पे ये स्कर्ट मैंने बनाई थी, इसको हम बाद में इस केनकेन के साथ लगा के देखेंगे। तो चलिए मैं आपको छोटी सी ड्राफ्टिंग वीडियो दिखा देती हूँ। सपोज़ ये मेरा कपड़ा है अस्तर का, इसे बस हम एक फोल्ड लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें अपने कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर में ले रही हूँ 22 इंचेस की, और 22 को आप क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 5.5 इंच। आपकी जितनी भी कमर हो आप 2 इंच उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि आपकी वो सिलाई में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से, सपोज़ ये मेरा 5.5 इंच है, इस तरह से हम इसे घुमाते हुए मार्क करेंगे, है ना। अब आपको अपनी लेंथ लेनी है, तो सपोज़ मुझे यहाँ पे 18 इंच लेना है, तो ये आप मान लीजिए 18 इंच का है। और यहाँ पे हम अब देखेंगे कहाँ पे 18 इंच आया है, और बस इसे हम इसी तरह से घुमाते हुए मार्किंग लगा लेंगे। तो ये सिंपल सा आपका स्कर्ट की मार्किंग हो गई है। अब जो लाइनिंग हमने दी है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आप किसी भी स्कर्ट की कटिंग कर सकते हैं, कोई भी साइज की स्कर्ट। तो यहाँ पे देखिए एक सेमी सर्कल हमें मिल जाता है, तो इसी तरह से मैंने ये स्कर्ट की कटिंग की है, ठीक है। कमर हमने यहाँ पे रखा हुआ है 5.5 इंच, मींस टोटल कमर की लेंथ जो है वो आएगी आपके यहाँ पे 22 इंच की। और लेंथ यहाँ पे मैंने इसका रखा हुआ है 18 इंचेस, 2 इंच हमारा बेल्ट में लगेगा तो ये 20 इंचेस का बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये 18 इंच है, 2 इंच ऊपर हमारा बेल्ट लगेगा, तो ये हमारा बन के आएगा 20 इंचेस का। तो अब चलिए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अपनी केनकेन कहाँ पे हमें लगानी है। अगर पे अपनी केनकेन को लगानी है तो सबसे पहले ऊपर से आप 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लें, ठीक है। तो पहली केनकेन जो हमारी लगेगी इस तरह से 5 इंचेस पे लगेगी। और अब हम अपने दूसरे वाले केनकेन के लिए मार्किंग करेंगे, जो ऊपर से एक बार हम मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो केनकेन लगेगा उसकी लेंथ होगी लगभग 8 इंचेस, और सेकेंड वाला 8 इंचेस से ही हमारा लगेगा। इस तरह से हम पूरे में 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। आपको सेम मार्किंग दूसरे साइड के लिए भी करनी है, तो आप इसे जब पलटोगे ना एक बार तो आपको दूसरी साइड पे भी इसकी मार्किंग आपको दिख रही होगी हल्की हल्की। तो मैं उसी पे एक लाइनिंग ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरा 2 पीस है, तो इसे मैं एक साइड से जॉइंट कर लूँगी सिल करके। अब जो हमारा केनकेन है इसे हमें कट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा केनकेन जो है वो लगभग 5 मीटर का है, इसमें मेरा जितना ज़रूरत है मैं इस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैं एक छोटी सी ड्राफ्टिंग दिखा देती हूँ। सपोज़ ये मेरा केनकेन है, अगर आप 2 मीटर का केनकेन लोगे तो भी आपका आराम से बन जाएगा ये स्कर्ट। तो यहाँ पे ये आपका केनकेन हुआ। ऊपर की जो लेंथ है हमें लेनी है, यहाँ पे देखिए 8 इंचेस का हमने मार्जिन रखा है, ठीक है। आप उससे 1 इंच बढ़ा करके ये फर्स्ट वाला केनकेन बढ़ाएं, और सेकंड वाले के भी आपको वैसे ही अपने जितनी लेंथ ली है उसे बस 1 इंच आप ऐड करें और फिर यहाँ पे कट करें। तो पहला केनकेन तो हमारा इस तरह से, मान लीजिए ये हमारा 8 इंचेस है, ठीक है।
और ये वाला 8 इंचेस को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये सिंगल हमारा ऊपर में लग जाएगा आराम से। अब बची हुई जो केनकेन है इससे हम 6 इंचेस का केनकेन दो भाग में कट करेंगे, क्योंकि नीचे आपका फ्लैट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा केनकेन लगेगा। तो इसे आप 6 इंचेस का दो भाग में कट करें। और दो भाग में इसे कट कर लेने के बाद ये हम बाद में इसे दोनों को मिला करके सिल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम केनकेन पे अपनी कटिंग कर लेते हैं और फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। सो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने दोनों केनकेन की कटिंग कर ली है, ऊपर और नीचे दोनों के लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये केनकेन मेरा 5 मीटर का है तो इसमें मुझे कोई जॉइंट नहीं लगानी होगी, बट अगर आप 2 मीटर का लेते हो तो उसमें आप जॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। तो ये मुझे एक सिंगल पीस ही मिल रहा है। तो इसमें आप प्लीट बनाने से पहले हमारी जो स्कर्ट है वो मैंने आपको बताया था कि दो अलग भाग में है, तो हमें एक साइड से इसे इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना होगा। पहले हम स्कर्ट को तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें केनकेन लगाएंगे। तो एक साइड से इसे आप इस तरह से सिलाई लगा लें। और सिलाई लगा लेने के बाद नीचे की साइड को हमें सिल लेना होगा फोल्ड करते हुए कपड़े को। तो एक साइड को हमें लेते हुए, चलिए इसे हम नीचे की साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको केनकेन लगाना बताऊंगी किस तरह से हमें केनकेन लगाना है। तो सबसे इजी वाला हिस्सा आपको बताऊंगी कि आपको कितने आराम से आप केनकेन कर अपने स्कर्ट के साथ लगा सकते हो। तो चलिए पहले इसे हम सिल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ मैंने इसे सिल लिया है। अब हमें अपने केनकेन को लेना है। हमें केनकेन में इस तरह से बॉक्स प्लीट बनानी है, ठीक है। तो इसे अच्छे से सेट करने के लिए आप इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएं और आयरन की हेल्प से इसे अच्छे से आयरन करते हुए जाएं। देखिए मैंने इसे आयरन करके अच्छे से बैठा लिया है, तो अब हमें इसे सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने प्लीट को बैठाते जाएं और इस पर एक सिलाई लगा के अच्छे से इसे सेट कर लें। और सेम जो इसका दूसरा हिस्सा है हमने तैयार किया था उसमें भी हमें इसी तरह से आयरन करते हुए इसे तैयार कर लेना होगा। तो देखिए मैंने इसमें अच्छे से एक सिलाई लगा लिया है। अब हमें अपने स्कर्ट को लेनी है और ये ऊपर वाला हिस्सा था, तो इस तरह से आप ऊपर वाले हिस्से पे इसे बैठाएं और सिलाई लगाते हुए जाएं। जो हमने मार्किंग की थी उसी पे आप इसे बैठा करके सिलते जाएं। तो एंड में आपका थोड़ा सा कपड़ा लेकिन यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है मेरा, तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और ऐसे ही अब हमें सेकंड वाली लाइनिंग पे अपनी केनकेन को बैठानी है। तो दूसरे वाली केनकेन को भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, अब इसे भी हम इसी तरह से बैठा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने जो मार्किंग की थी उसी पे इसे बैठाते हुए और सिलाई करते हुए जाना है। तो इसे भी हमने सिल लिया। अब हम इसे दूसरे साइड पे भी फोल्ड करते हुए
ऊपर से आपको लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रखना है, जिस तरह से हम साया में मार्जिन रखते हैं ना वैसे ही, और फिर नीचे से हम स्कर्ट को पूरे सिल लेना है। और अब हमें क्या करना है, अपनी कुर्ती की जैसे साइड सिलते हैं ना हम, वैसे ही इसे भी अंदर की और ऊपर की साइड जो मार्जिन रखी थी उसे सिल लेना है। और उसके बाद हमें अपने कमर पे लगानी है ये पट्टी। ये पट्टी की लंबाई आप अपने कमर के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 4.5 इंच ली है, और इसे हमने एक साइड से फोल्ड करके इस तरह सिल लेना है। और इसके बाद हम अपने स्कर्ट की जो उल्टे साइड है उस पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करके बैठाते हुए सिलाई करेंगे। अभी हम इसे उल्टे साइड पे रखते हुए सिलना है, और जो हमने एक साइड पे सिलाई किया था वो हमारा सीधे साइड पे आएगा। इस तरह से आप बिल्कुल आराम से इसे सिलाई लगा ले एक साइड पे कमर पे। और अब हम इसे सीधा करके सीधे साइड पे फोल्ड करके और इसे सिलाई लगाएंगे। तो इसे मैंने सीधा ही कर लिया है स्कर्ट को, ताकि इसे सिलाई करने में कोई दिक्कत ना आए, और जो सिलाई हमने लगाई थी उसी पे ये बैठाएंगे हम और पूरे कमर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बड़ी ही आराम से आपकी ये कैनकन स्कर्ट बन जाएगी। मैं आपको स्कर्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में, उस पर हम इसे डाल के देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो ये जो स्कर्ट की फ्लेयर थी ना, आपको ऐसे में तो बहुत कम लग रही होगी, बट जब आप इसे कैनकन के साथ यूज़ करोगे तो इसकी फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहनने के बाद ये काफ़ी फुला फुला लगता है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो कितनी अच्छी सी इसमें सेट हो गई। और अगर आपने अभी तक ये लहंगे की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में मैंने आपको इसकी लहंगे की और इसकी ब्लाउज की लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।